हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी एंड यम्मी रेसिपी, स्वीट कॉर्न करी। इसे हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यम्मी और ब्यूटीफुल लग रहा है, साथ ही खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे टेस्टी स्वीट कॉर्न करी के लिए मैंने एक फ्रेश भुट्टा लिया है जो अभी अवेलेबल है सीज़न में, और उसको छिल लिया है। उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। उसके अलावा ये है बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और तेज़पत्ता। और ये है काजू और मगज, इनको मैंने पानी में सोख करके रखा है 20 मिनट पहले। उसके अलावा ये है फ्रेश क्रीम मलाई जो हम दूध के ऊपर से निकालते हैं, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, और दो टमाटरों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, इसका प्यूरी बना लिया। आप चाहो तो इसे एकदम बारीक चॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा बटर है और ऑयल है। आप चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, बट मैं बटर और ऑयल दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा टीस्पून जितना बटर डालकर। इसमें हम लोग जो फ्रेश भुट्टा है जिसको हमने छिल लिया, आप देख सकते हैं ये फ्रेश है, फ्रोज़न नहीं है, तो इसको मैं भून ले रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप सब्ज़ी बनाते समय डाल सकते हैं। बट ये कच्चे वाले हैं जिस जो फ्रेश होते हैं वो है, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर भून रही हूँ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये पक जाए। और इस तरीके से घी में इसको थोड़ा सा भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी मैंने इसमें डाला है नमक हाफ टी स्पून डाल के, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के मैं इसे पकने के लिए रख दे रही हूँ। इसे मैंने अराउंड 5 मिनट तक पकाया है, और बीच बीच में इसे मिक्स करना है। अभी दूसरी तरफ मैंने रखा है एक और पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, जीरा हाफ टी स्पून है, 2 तेज़पत्ता है, डालकर इसे हल्का मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें और सूखे मसाले भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज, ये 2 प्याज है जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च को भी काट लिया है, मैं उसको भी इसमें डाल रही हूँ, डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून है, डालकर मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप इसे एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट प्यूरी, डालकर मैं इसको तब तक भून रही हूँ जब तक कि इसमें का जो पूरा पानी है वो निकल नहीं जाता है। अब टमाटर अच्छे से भून गया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून है, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, तीखा कम रहेगा। उसके बाद काजू और मगज को मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, पेस्ट बनाकर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैं ग्रेवी को थिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ काजू या सिर्फ मगज। अब डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी मूँगफली को 20 मिनट पानी में भिगोकर उसका भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है और ग्रेवी थिक रहेगी। अब मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मसाला कढ़ाई में लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो मिक्सी में जो पेस्ट लगा है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके वही मैं डाल रही हूँ, डालकर मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, ये मलाई जो दूध के ऊपर से कलेक्ट करते हैं वो है, ये अराउंड 1/4 कटोरी है, डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मलाई डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट मलाई डालने से जो सब्ज़ी है टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही, उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि साइड से तेल नहीं छूटता है। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल छूट रहा है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी यहाँ पे आपको जैसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पहले मैंने एक कटोरी पानी डाला है, पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। तो ग्रेवी को आप जैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पूरे 2 कटोरी पानी डाले हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग एक बॉईल आते तक रख देते हैं। जब तक इसमें बॉईल आता है हम देखते हैं हमारे
स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न को मैंने बीच बीच में अच्छे से मिक्स किया है, इसे मैंने धीमी आंच पे अराउंड 4 से 5 मिनट तक पकाया है। आप इस तरीके से चेक कर लेना, अगर ये स्वीट कॉर्न अच्छे से पक जा रहा है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। अब स्वीट कॉर्न मैं डाल रही हूँ सब्जी के ग्रेवी में, जो अच्छे से भून गया है और उसमें बॉईल भी आया है। जब ग्रेवी में बॉईल आएगा उसके बाद ही हमें स्वीट कॉर्न को डालना है। अब स्वीट कॉर्न डालकर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर पकाना है ताकि जो स्वीट कॉर्न है वो ग्रेवी में पूरी तरीके से पक जाए। ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से भून लिया है बट ग्रेवी में भी हमें थोड़ा पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि स्वीट कॉर्न में भी हमने नमक डाला था। उसके बाद गरम मसाला 1 टीस्पून डालकर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप एक बार ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे ढककर मैं मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन निकाल के चेक कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपका स्वीट कॉर्न नहीं पका है तो आप 1-2 मिनट और पका सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को ऊपर से डालने से सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कस्तूरी मेथी को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। डालकर थोड़ा सा जो बटर बचा था 1/2 टीस्पून, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से डालने से एकदम रेस्टोरेंट टाइप इसमें फ्लेवर भी आएगा और लुक वाइज भी वैसे ही दिखेगा। उसके बाद हल्का मिक्स करके ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप फ्रोज़न वाला स्वीट कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो जब हम मसाला भूनते हैं उसी टाइम स्वीट कॉर्न डालना, बट स्वीट कॉर्न को पहले गर्म पानी में डालकर फिर यूज़ करना है। अब हमारी सब्जी बन गई है। आप देख सकते हैं ये एकदम रेस्टोरेंट वाली सब्जी जैसे दिख रही है। मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे किसी भी रोटी, नान, पराठा या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी स्वीट कॉर्न करी ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।